श्री गणेश, कैसे हैं आप सब। आज का ये प्रेडिक्शन है बुध ग्रह के बारे में। सबसे नन्ना छोटा जो ग्रह है ये बुध है। हमारे जो सौर मंडल के अंदर पृथ्वी के नज़दीक जो हमको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले ग्रह हैं, तो बुध ग्रह का फल बहुत मायने रखता है। और बुध ग्रह का जो ट्रांजिट है ये आज तारीख 6 है, टुमोरो 7 तारीख की रात को सुबह 5:29 यानी के 5:30 पकड़ लो, 7 तारीख की रात को 5:30 मतलब इंडिया में तारीख 8 हो जाएगी। और ये 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बुध मकर राशि में श्रवणा नक्षत्र में चलेंगे। अब ये श्रवणा का जो ट्रांजिट है फ्रेंड्स, अभी बुध मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा जो है ये सूर्य का नक्षत्र है। अब चलेंगे जो बुध श्रवणा नक्षत्र में, तो ये चलेंगे चंद्र के नक्षत्र में। तो बुध कैसा फल देंगे, बुध चंद्र के जैसा फल देंगे। तो क्या होगा कि हम अमावस्या की ओर जा रहे हैं, डाउन साइड जा रहे हैं। आज पौष वद 11 है, षट तिला एकादशी बोलते हैं इसको। आज कोपरा खाने का विशेष महत्व है। कोपरा मतलब नारियल, नारियल की बनी हुई कोई भी चीज़ आप भोजन में ले सकते हैं। षट तिला एकादशी है, तो बुध का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बुध जो है ये श्रवणा नक्षत्र में कैसा फल देंगे। 8 से 16, 16 की मॉर्निंग में बदल जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 दिन का ये प्रेडिक्शन है। 7 डेज बुध इन श्रवणा। प्रेडिक्शन में आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड, आप सब कुशल होंगे और नक्षत्र बेज राशिफल में आप सबका स्वागत है। श्रवणा नक्षत्र जो है ये चंद्र का नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जो योनि है ये वानर योनि है। वानर बोले तो बंदर, इंग्लिश में मंकी बोलते हैं। और बहुत चंचल नक्षत्र है, बहुत वाइब्रेंट नक्षत्र है। तो ओवर चंचलता भी शुभ नहीं मानी जाती है, ठीक नहीं मानी जाती है। वेरी वाइब्रेंट माइंड भी कुछ काम नहीं कर सकता है। तो वानर योनि है जिसके कारण आने वाले समय में आपको लड़ाई झगड़ा का जो माहौल है वर्ल्ड वाइड, आपको एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर। क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है वो ऊपर से होता है। तो बुध का ये श्रवणा नक्षत्र राशि से बात करें तो मेष राशि के लिए बुध जो है ये 10वें स्थान के अंदर है, 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए एक सेम तारा है, ठीक ठीक है। अश्विनी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा क्योंकि बुध जो अभी उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं ये आपके विपत नक्षत्र में चल रहे हैं, तो अश्विनी वाले जातकों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। लेकिन भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहने वाली है।
रिलेशनशिप में फादर मदर, जॉब में अपर लेवल, ये सब के साथ केयर करना होगा। और कृतिका के लिए संपत्ति नक्षत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर योनि दोष बनता है और योनि का जबरदस्त इम्पैक्ट है प्रेडिक्शन में। योनि का जब दोष पड़ता है तो ग्रह फल देने में सक्षम नहीं रहते हैं, 50% भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कृतिका वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले जातक हैं और इस नक्षत्र श्रवणा है तो बंदर का तो आपको मालूम है कि कोई ठिकाना नहीं है, कैसे कहीं भी कूद सकते हैं। तो कृतिका वाला जातक बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग करेंगे, मेष कृतिका वृषभ कृतिका दोनों भी। वृषभ राशि के लिए जो बुध है वो भाग्य स्थान में है, तो वृषभ कृतिका को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास से बेनिफिट मिले। वृषभ मृग कृतिका के बाद रोहिणी के लिए जन्म नक्षत्र है, मृगशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो रोहिणी वाले जातकों के लिए भी ठीक ठीक है। मृगशिरा के लिए इसका फल थोड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि बुध आपके मोर फ्रेंड बनकर आए हैं, अति मित्र बनकर आए हैं, तो आपका जो खास दोस्त होता है वो आपको ऑलवेज बेनिफिट करने वाला होता है। और मिथुन मृगशिरा के लिए बुध अष्टम स्थान में है, मिथुन राशि वाले तमाम जातकों को वाणी में संयम बरतना है, खास करके कुटुंब में, अन्यथा भारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है। मिथुन आद्रा के लिए ये मित्र नक्षत्र है लेकिन शत्रु जैसा है, क्योंकि आद्रा वाले जातकों की योनि स्वान योनि बोले तो कुत्ता, और इस नक्षत्र की योनि वानर योनि है, तो फैमिली वाले फैमिली मेंबर्स या तो आपके इन लॉस ये आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार क्रिएट करेंगे, तो बोलने में संयम बरतना है, अन्यथा बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आद्रा वाले जातक पर्टिकुलर आद्रा और पुनर्वसु पुनर्वसु के लिए भी ये वध नक्षत्र है, तो आपको भी वाणी व्यवहार में संयम बरतना है, अन्यथा भारी कॉन्ट्रोवर्सी फैमिली में क्रिएट हो सकती है। कर्क पुनर्वसु के लिए वध नक्षत्र है, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में करना है, केयर टेक केयर करना है। बुध माने कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में जिनके लिए भी वध है, विपत है, शत्रु है, ऐसे जातकों को बहुत संयम बरतना होगा, अन्यथा बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अपने बोलने के कारण। कर्क पुष्य के लिए साधक नक्षत्र है लेकिन योनि दोष बनता है, तो वंस अगेन पार्टनर के साथ प्रॉब्लम। और आश्लेषा के लिए ये प्रत्यय नक्षत्र है पार्टनर के साथ ऑपोजिशन। सिंह राशि के लिए बात करें तो मघा के लिए एक सैम तारा है, बुध आपके सिक्स हाउस के अंदर है, जो शत्रु विजय करवाने वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स की ओर से भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। पूर्व फाल्गुनी के लिए विपत है, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण में कोई लेडीज है तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उत्तर फाल्गुनी को इसका फल ठीक मिलेगा, उत्तर फाल्गुनी वाले सिंह उत्तर फाल्गुनी के लिए इसका फल एक्सेलेंट होगा, शत्रु रहेगा। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए बुध पंचम स्थान में आकस्मिक कुछ लाभ करने वाले हैं, कन्या हस्त के लिए जन्म नक्षत्र है, जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है। कन्या चित्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो कन्या राशि वाले जातकों को कुछ आकस्मिक लाभ मिलने वाला है। और बुध माने फाइनेंस, पैसे के रिगार्डिंग। और बात करें तुला राशि के लिए बुध सुख स्थान में है, ज्योतिष स्थान में है, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो आपको ज़रूर महसूस करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चित्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र में बनकर आए हैं, वो स्वाति के लिए मित्र है, लेकिन विशाखा के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा, तुला विशाखा के लिए ये वध नक्षत्र में चलेंगे। तो हु आर बॉर्न इन विशाखा, तुला विशाखा का जन्म का सूर्य है या चंद्र है, ये दोनों जातक थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस करेंगे रिलेशनशिप में, माता पिता जॉब में अपर लेवल, ये सबके साथ केयर करना होगा।
वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो बुध पराक्रम भुवन में है, साहस भुवन में है, जो कि आपके साहसिकता में वृद्धि करने वाले हैं। और ये ट्रांजिट जो पर्टिकुलरली है बुध का, आपके लिए साहस में वृद्धि करने वाले हैं। स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि वृश्चिक विशाखा के लिए इसका फल थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए वध नक्षत्र में है। शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन विद ब्रदर सिस्टर एंड नेबर्स। अनुदा के लिए इसका फल एक्सेलेंट होगा। आपके लिए ये साधक नक्षत्र है, जिष्ठा के लिए इसका फल भाई बहन के साथ या नेबर्स के साथ ऑपोजिशन है। मूला के लिए, धनुराशि के लिए बुध धन भाव के अंदर है। मूला के लिए इसका ट्रांजिट जो है, ये आपका नक्षत्र है, ये सेम तारा है, लेकिन योनि का प्रॉब्लम है। मूला के साथ श्रवणा, मूला श्वान योनि है, श्वान बोले तो कुत्ता, और इस नक्षत्र की योनि वानर योनि है, तो आपको 100% सपोर्ट करने वाला नहीं है। पारिवारिक समस्या बोलने के कारण क्रिएट ना हो जाए, उसका खास ख्याल करना होगा। पूर्व आषाढ़ा के लिए ये प्योर विपद नक्षत्र है, क्योंकि आपके लिए जो ट्रांजिट है बुध का, ये आपके विपद नक्षत्र में है। धनु उत्तर आषाढ़ा को इसका फल ठीक मिलेगा, क्योंकि आपके लिए ये संपत नक्षत्र में है, एक्सीलेंट फल रहेगा। धनु उत्तर आषाढ़ा और मकर उत्तर आषाढ़ा, मकर उत्तर आषाढ़ा के लिए तो अपनी राशि के अंदर है, तो कुछ आकस्मिक लाभ मिल सकता है। मकर श्रवणा के लिए भी शुभ फल रहेगा, हालांकि माइंड वाइब्रेंट होगा श्रवणा वाले जातकों का। जिनका जन्म का चंद्र श्रवणा में है, ऐसे जातकों का माइंड बहुत वाइब्रेंट होगा। मकर धनिष्ठा के लिए ये पार्टनर से लाभ करने वाले होंगे। कुंभ राशि के लिए फल इसका ठीक नहीं है, 12वें स्थान में बुध है। कुंभ धनिष्ठा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, एब्रॉड कनेक्शन से लाभ करवा सकते हैं। कुंभ शतविशा के लिए मित्र नक्षत्र है, और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए इसका फल ज़्यादा अशुभ होगा, क्योंकि 12वें स्थान में बुध आपके वध नक्षत्र में है। यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल लॉस भी आ सकता है। मीन राशि के लिए बुध लाभ स्थान में रहेंगे, लेकिन मीन पूर्व भद्रपद के लिए ये वध नक्षत्र है। उत्तर भद्रपद के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, साधक नक्षत्र है, और मीन रेवती के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए प्रत्यरी नक्षत्र है। प्रत्यरी माने ऑपोजिशन, कहाँ से होगा, आपके मित्रों के साथ होगा, आपके संतानों के साथ होगा, ये सब सेक्टर में क्या करना है। बुध के श्रवणा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, फीडिंग टू मंकीज, आपके सराउंडिंग में कहीं भी आसपास में मंकी आते हैं, बंदर आते हैं, उनको आप खिलाइए। और यदि ये पॉसिबल नहीं है, आपके ऐसी जगह पर रहते हैं बंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप मैक्सिमम हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, और अपने ईष्ट देव देवी का ध्यान करें, मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान का मंत्र करें, और अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव सबका कल्याण करें, ऐसी शुभकामना और शुभ भावना के साथ मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।